नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। अनुष्का शर्मा उन एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्हें देखकर कई लड़कियाँ इंस्पायर होती हैं। अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाने वाली ये अदाकारा ना सिर्फ एक्टिंग फील्ड बल्कि प्रोडक्शन से लेकर फैशन की दुनिया में भी एक्टिव हैं। काम के लिए उनका पैशन न तो विराट कोहली से शादी के बाद कम हुआ और न ही बेटी के जन्म के बाद। यही वजह है कि लाइफ में पत्नी और माँ का टाइटल मिलने के बावजूद उनका वर्क फ्रंट पर लगातार एक्टिव रहना जारी है, जो खास तौर से महिलाओं के लिए इंस्पायरिंग है। अनुष्का पिछले कुछ सालों से फिल्मों से दूर अपने गृहस्थ जीवन का आनंद ले रही थी। इसी साल अनुष्का के घर में उनकी नन्ही परी वामिका का जन्म हुआ है। विराट और अनुष्का ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस से ये खुशखबरी शेयर की थी। बता दें, अनुष्का शर्मा ने साल 2017 में विराट कोहली से शादी की थी। अब लंबे वक्त से फिल्मों से दूर रही अनुष्का ने दोबारा वापसी की है और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है। बता दें, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अनुष्का शर्मा ने हाल ही में सेट से एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो शेयर की है जिसमें वो मेकअप वाली कुर्सी पर बैठी नज़र आ रही हैं और पूरी टीम उनके आसपास है। इतना ही नहीं, फ़ोटो में दिख रहा है कि अनुष्का फिल्म की स्क्रिप्ट भी पढ़ रही हैं। इसके साथ ही दिख रहा है कि उनकी मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइल उनका मेकअप कर रही हैं। अनुष्का की इस फ़ोटो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और खूब ढेर सारा प्यार भी दे रहे हैं। बता दें कि अनुष्का आखिरी बार शाहरुख खान के साथ फिल्म जीरो में नज़र आई थी। फिल्म को बड़े पर्दे पर काफ़ी सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद से ही अनुष्का ने अपने काम से ब्रेक ले लिया था। वहीं अब अपनी बेटी को जन्म देने के बाद अनुष्का फिर से कमबैक के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही अनुष्का का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो वायरल हुआ था। सिमी गिरवाल को दिए इंटरव्यू में अनुष्का ने अपने शादी के प्लान के बारे में बात करते हुए नजर आई थी। इस दौरान अनुष्का ने कहा था, मैं शादी करना चाहती हूँ, बच्चे पैदा करना चाहती हूँ और ये भी हो सकता है कि शायद शादी के बाद मैं काम ना करूं। वहीं अब अनुष्का दोबारा काम पर लौट आई हैं तो उनके फैंस काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।